नमस्कार दोस्तों, फौजी बाबा डिस्कवर प्लस के चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चल पड़े हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ। हम धन्यवाद करते हैं उन्होंने जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी और वहां से हमें अच्छे अच्छे कमेंट दिए। तो आज हम लेके जा रहे हैं आपको पो से काजा। पो से नीचे जाने वाली रोड बहुत ही पतली है। आज हम रुकेंगे नाको विलेज में। नाको विलेज एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत खूबसूरत लेक है जिसके हम एरियल शॉट दिखाएंगे। इसे देखने के लिए आप जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शॉट है नाको विलेज के और रास्ते के जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा, चंडीगढ़ टू काजा पार्ट 3। दोस्तों, फौजी बाबा चैनल आपको लेके आए नई नई जगह पे। आज अनएक्सप्लोर्ड जो जगह है हम वहाँ लेके आए आपको, और ये हम जा रहे हैं आज पो से नाको और काजा की तरफ। तो खूबसूरत रोड है, बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है, और मेरे पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो वो देखिए जो हाफ टनल है ये वर्ल्ड में कहीं कहीं है। और एक देखने वाला नज़ारा है कि किस तरह पत्थरों के नीचे से जाती है, यू टाइप की टनल होती है। तो नज़दीक का भी वीडियो दिखाएंगे, आप देखते रहिए हमारे साथ वीडियो। और आगे हमारी वीडियो को अगर पसंद आए, ऐसे इलाकों में आपको इंटरेस्ट हो तो देखिए, इन वीडियो को एज ए गाइड भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह आपको कहाँ रहने की है, किधर जाना है, कैसे रोड कंडीशन है, उसके बारे में बताते रहिए। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, आइए देखिए पो टू काजा। तो दोस्तों, ये जगह जहाँ हम रुके हैं इसे संगम कहते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड में ब्रिज के नीचे से आ रहा है वो स्पीति रिवर है और दूसरी साइड से सतलुज रिवर आ रहा है। तो दोनों रिवर का यहाँ पे संगम है और यहाँ से दोबारा ये सतलुज बन जाता है। अब हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत जो है एक हाफ टनल है, क्योंकि पहाड़ यहाँ पे काफ़ी सख्त पहाड़ है और उसको काट के बीच में से यू शेप में रास्ता बनाया गया है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि रोड इतनी अच्छी नहीं होगी, पर बहुत ही बढ़िया स्मूथ रोड है, उस पर गाड़ी चलाने का बिल्कुल मज़ा आ जाता है। तो ऐसा कोई आपको वहाँ लगेगा नहीं कि आप कोई पहाड़ी इलाके में या उबर खाबड़ इलाके में जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आबादी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे अक्सर रोड इतनी अच्छी नहीं होती। पर कर्टसी यहाँ पे बॉर्डर रोड्स के कारण ये रोड्स बहुत ही अच्छी हैं और यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही मज़ेदार है, सेफ भी है क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान आपको मोड़ों के ऊपर में रखना पड़ता है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। अब हम थोड़ा ऊपर की साइड आ गए हैं तो वेजिटेशन यहाँ से बिल्कुल गायब हो गई है। हाँ, नीचे की तरफ जहाँ जहाँ भी वैली में हमें दिखेंगे तो वहाँ पे कुछ हरियाली दिखेगी और वो हरियाली में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेब लगे हुए हैं, हालांकि अभी पके नहीं हैं। तो किन्नूर वैली का जो सेब है वो यहाँ का बहुत ही फेमस है और बहुत ही डिलीशियस होता है, और मोस्टली यहाँ का जो सेब है एक्सपोर्ट चला जाता है, तो लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। अभी जैसे सामने थोड़ी हरियाली दिख रही है तो वो जगह सेबों के कुछ बाग हैं जिनके बीच में से रोड निकलती है। तो ये देखिए साइड में खूबसूरत पहाड़ और आसमान बिल्कुल साफ है, बादल बिल्कुल थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ हवा इतनी साफ है कि आप फर्क महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है यहाँ पे, कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत ही साफ सुथरी एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर खड़े होते हैं, घूमते हैं बाहर, तो आपको लगता है कि आप एक डिफरेंट जगह पे आ गए हैं। वो जो शहरों की भीड़भाड़ है उससे दूर बहुत ही शांतमय इलाका है, बहुत खूबसूरत एरिया है। अब हम फिर चल पड़े हैं, आपको रोड्स का जो ब्यूटीफुल व्यू है दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। हालांकि हम आगे जाके आपको कुछ ड्रोन से लिए हुए शॉट्स भी दिखाएंगे ताकि आपको पता लगे कि ओवरऑल अगर हम टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से देखते हैं व्यू, तो ये इलाका किस तरह का नज़र आता है। तो ये हमने कुछ यहाँ से व्यूज़ लिए हैं। दूर में एक विलेज है और ये सारे ही विलेज में चारों तरफ एप्पल के बाग हैं, काफ़ी आपको जूम करके दिखाया गया है। तो ये दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे पहाड़ बिल्कुल कच्चे हैं और कहीं पे जो पहाड़ हैं बिल्कुल सख्त पत्थर के हैं, और वहाँ पे बिल्कुल भी कोई लैंडस्लाइड वगैरह नहीं है। कुछ एरिया थोड़े से कच्चे हैं पहाड़, जैसे ये देखिए सामने एक पहाड़ों के बीच में गाँव है,
दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है वहाँ पे कि हम नहीं जाएंगे। नीचे सतलुज नजर आ रहा है, हम सतलुज के साथ साथ ये रोड ऊपर को बढ़ रही है, हम रोड के साथ धीरे धीरे ऊपर को चढ़ रहे हैं। घुमावदार रोड है, जिग जैग कर्व के साथ रोड ऊपर को जाती है। हम धीरे धीरे उसी जगह में तकरीबन स्टेप वाइज ऊपर को चढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे खूबसूरत नज़ारा, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं और भी नज़ारा जो है बढ़िया खूबसूरत हो रहा है। देखिए ऊपर से ये व्यू है नीचे सतलुज का, बहुत खूबसूरत व्यू है। और हालांकि अभी बरसात का टाइम है तो पानी उतना साफ नहीं है, नहीं तो इस पानी का जो रंग है बिल्कुल नेचुरल पानी की तरह होता है और बहुत ही नज़ारा ये खूबसूरत होता है। हालांकि अब भी कमी नहीं है कि सामने पहाड़ है और बड़ा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको रोड के बारे में और बाकी साइडों में जानकारी देते हैं। ये कुछ हमने ड्रोन से शॉट लिया है यहाँ का, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है उसी जगह का जो ड्रोन से हमने शॉट लिया है ऊपर से लेके नीचे तक का। तो अभी हम नाको पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर पे अभी जो विलेज है यहाँ का नाको विलेज आएगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है और यहाँ पे बीच में काफ़ी एक लेक बनी हुई है जिसमें बोटिंग भी करी जा सकती है। तो हम आपको वहाँ पे पहुंच के आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी देंगे और नाको विलेज का हम आपको एरियल शॉट भी दिखाएंगे। तो नज़दीक ही है, हम पहुँच गए हैं। अब हम वहाँ पे जहाँ से नाको के लिए रोड टर्न होती है वहाँ पहुँच गए हैं, तो हमने कहा यहाँ से थोड़ा एरियल शॉट ले लिया जाए। ये एंट्री पॉइंट है नाको का, जहाँ देखिए बस स्टॉप है, यहाँ पे हम खड़े हैं और ये नीचे जो रोड है जिससे हम आए हैं, ये ऐसे जिग जग चढ़ती हुई रोड है आगे और काजा की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ से हम राइट साइड में मुड़ेंगे और ये बस स्टैंड के पास से ये नाको विलेज की तरफ अंदर की तरफ रोड जाएगी और ये नाको विलेज है। अभी हम इस पतली सी रोड पे आगे बढ़ेंगे और विलेज के अंदर हम थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये नीचे का आपको व्यू नज़र आ रहा है जो नाको विलेज की एंट्री के टाइम में चारों तरफ से है, एक खूबसूरत सी जगह नज़र आ रही है आपको। चारों तरफ ही नेचर की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है और ऐसा नज़ारा आप कहीं पे भी नहीं देख सकते हैं। अभी हम नाको विलेज की तरफ मुड़ चुके हैं। ये गांव की पतली सी संकरी सी रोड है जो हम लेक तक जाएंगे और लेक के बाद हम वहाँ पे थोड़ी देर घूमेंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे और यहाँ की बाकी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बाज़ार की जो गलियाँ हैं, छोटा सा बाज़ार है यहाँ, कुछ दुकानें हैं,
हालांकि कोई बहुत जड़ी बड़ी जगह नहीं है ये, पर हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। खाने पीने का सामान जो है हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ अच्छे होम स्टे भी हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो आके नाको में रहना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत सस्ता है ये जगह और यहाँ पे काफ़ी होम स्टे आपको मिल जाती हैं। कोई बड़ा होटल फाइव स्टार जैसा यहाँ नहीं है, पर काफ़ी कंफर्टेबल जो होम स्टे हैं आपको आपको विलेज के अंदर में मिलती हैं। तो आप रियली अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ एक दो दिन का समय ज़रूर गुजार सकते हैं। अभी हम लेक के किनारे पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी सी कमी है, तो जगह देख के हम ये यहाँ पे हेल्थ सेंटर के सामने गाड़ियाँ खड़ी करके लेक की तरफ चलते हैं। तो आइए देखिए यहाँ की लेक, नाको लेक। हाँ वो देख फिश आ गई बदी पॉन्ड है फिश के लिए पॉन्ड में लेके वो मनुष्य बने हाँ उसे जाके नहीं आ नहीं बढ़िया यार जगह से जगह अच्छी है। हाँ ये वो है ना पिंड वाले ने पहले हाँ पानी का सोर्स यही होंगे पिंडा च ही हों इदा पाउंड ही होंगे सारा ड्रिंकिंग वाटर इकट्ठा कर लेंगे पानी कितों आएगा। एक बार फिर से हम आपको जो पूरा ही नाको विलेज है उसका ड्रोन से लिए गए शॉट दिखाते हैं, जिसमें ये खूबसूरत लेक को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और नीचे जहाँ पे हम खड़े थे बस स्टैंड है जो रोड आगे काजा की तरफ जाती है, वहाँ तक का सारा व्यू हम एक ही ड्रोन शॉट में कैप्चर किए हैं। पूरा विलेज भी दिखता है, तो आप ऊपर से देख के इस वीडियो को देखिए और नज़ारे लीजिए यहाँ के और खूबसूरती को निहारिए आप वीडियो में। आप सोच सकते हैं कि अगर वीडियो में ये जगह आपको इतनी अच्छी लगती है तो वाकई वहाँ जाने पे ग्राउंड पे कितनी ये खूबसूरत जगह होगी। ये जगह आपके मिस करने लायक नहीं है अगर आप रोड ट्रिप करते हैं। नीचे जो दिख रहा है वो आपको वो हेलीपैड है जहाँ से हम स्टार्ट किए थे और ये रास्ते से हम पतले रास्ते से ऊपर आए हैं। चारों तरफ अभी हम घुमा के आपको नाको विलेज का एक एरियल व्यू दिखा रहे हैं।
दोस्तों ये था हमारा तीसरे दिन चंडीगढ़ से काजा ट्रिप का तीसरे दिन की रोड ट्रिप की जानकारी। तो आज हम यहाँ पे नाको विलेज पे आए और यहाँ रुके हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहार रहे हैं। तो अब हम यहाँ से वापस चल पड़े हैं। तो वैसी ही खूबसूरत वादियाँ, वैसी ही खूबसूरत रोड, आने जाने का सफ़र हमारा बहुत ही सुहाना रहा है और बहुत ही बढ़िया हमने यहाँ एंजॉय किया है। आपके लिए हम ये वीडियो लेके आए ताकि आप अच्छी तरह से इस इलाके को देख सकें और जब भी मौका मिले तो ज़रूर जाएं। इलाका बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें अपने विचारों से अवगत कराइए ताकि हम आपके लिए और ऐसी बेहतर वीडियो बनाते रहें और आपको दिखाते रहें। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस फौजी बाबा और डिस्कवर प्लस चैनल के साथ। जय हिंद।